हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम नेहा सेठी। वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। लॉयड्स मेटल एंड एनर्जी लिमिटेड शेयर को करेंगे डिस्कस। करेंट प्राइस है 557। आज -1.23% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। एएसएम स्टेज वन में है शेयर। आज का हाई है 568, आज का लो है 551। फ्रेंड्स, 583 इसका 52 वीक हाई है एंड 132 इसका 52 वीक लो है। 20% का बैंड है सेबी की तरफ से फॉर द अपर एंड द लोअर सर्किट। मार्केट कैप है 28,126 करोड़ का। टर्नओवर है 1 करोड़। फेस वैल्यू 1 मिल रहा है आपको। फंडामेंटल्स नेगेटिव हैं। ईपीएस है -5.72, पी है -98, आरओई है -18। स्पॉन्ज आयरन सेक्टर से बिलोंग करता एक शेयर है। काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस शेयर ने। अगर हम इनके रिजल्ट्स की बात करें तो इनका मार्च क्वार्टर का प्रॉफिट था 269 करोड़ का एंड दिसंबर क्वार्टर का था 230 करोड़ का। तो काफ़ी अच्छा जंप है इसके शेयर ने, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। फ्रेंड्स, इनका जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है जिसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंपनी है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्पंज आयरन, पावर जनरेशन एंड माइनिंग एक्टिविटीज। आरओसीई पॉजिटिव में है 82%, आरओई पॉजिटिव में है 90.5%, बुक वैल्यू है 34। कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट बहुत सारे हैं। कंपनी हैज रिड्यूस डेप्ट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, तो डेप्ट फ्री कंपनी ऑलमोस्ट। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ट्रैक रिकॉर्ड। कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैज रिड्यूस फ्रॉम 84.3 डेज टू 18 डेज। अब चलते हैं फ्रेंड्स इनके न्यू शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो जून क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है। प्रमोटर होल्डिंग सेम रही है 65.75%। एफआईआई भी है शेयर में। एफआईआई ने अपनी होल्डिंग को थोड़ा सा कम किया है। पहले थी 0.19% और अब हो गई है 0.14%। डीआईआई की 0% होल्डिंग है। पब्लिक है 34.09%। सो फ्रेंड्स, शेयर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। हम इसमें एक नेक्स्ट टारगेट क्या लेके चल सकते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो फ्रेंड्स, हम 580 तक का नियरेस्ट टारगेट लेके चलेंगे। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। खुद से रिसर्च कीजिए फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए। क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला है और अच्छा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। एंड फ्रेंड्स, चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपको शेयर से रिलेटेड या किसी और शेयर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।